मायसेल्फ राकेश कुमार, मैथ टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैथ क्लास में सेवेंथ क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, डिवीजन क्लास में चैप्टर फोर यानी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, किसी टोकरी में 180 अंडे हैं, जिनमें 40 अंडे सड़े पाए गए, ज्ञात कीजिए। तो कुल अंडों की संख्या बराबर, कुल अंडों की संख्या बराबर 180, सड़े अंडे बराबर 40, अच्छे अंडे बराबर 180 माइनस 40 बराबर 40 अंडे अच्छे। अब कह रहा है इनमें अनुपात बताना है। तो पहला है इसमें सड़े अंडे व अच्छे अंडों का अनुपात। तो पहला पार्ट है सड़े अंडों व अच्छे अंडों का अनुपात। सड़े अंडे और अच्छे अंडों का अनुपात, सड़े अंडे कितने हैं 40, तो 40 अनुपात में 140 होना चाहिए। ये 140 बचेगा तो 140। अब जीरो से तो जीरो रिमूव हो सकता है, 2 2 4 और 2 7 जा, तो बराबर हो गया 2:7। यानी सड़े अंडे व अच्छे अंडों का अनुपात 2:7 होगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट है अच्छे अंडों व कुल अंडों का अनुपात। अच्छे सेकेंड वाले में अच्छे अंडों एवं कुल अंडों का अनुपात, कुल अंडों का अनुपात। तो अच्छे अंडे कितने हैं 140, 140 अनुपात। सड़े अंडे कितने हैं, तो अच्छे अंडे कुल अंडे कितने हैं 180। तो जीरो से जीरो तो कैंसिल हो सकता है और टू से भी ये कैंसिल हो सकता है, 2 7 जा और 2 9 जा इक्वल्स टू 7:9। तो अच्छे अंडे और कुल अंडों का अनुपात 7:9 होगा। अब थर्ड इधर की ये दे रहा हूं, तीसरा पार्ट है सड़े अंडे व कुल अंडों का अनुपात। सड़े अंडों व कुल अंडों का अनुपात तो सड़े अंडे हैं 40 और कुल अंडे हैं 180। तो जीरो से जीरो तो कैंसिल हो सकता है, 2 से भी बाहर जा सकता है, 2 2 4 2 9 18 बराबर 2:9। यानी सड़े अंडों व कुल अंडों का अनुपात 2:9 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी स्कूल में लड़कियों व लड़कों का अनुपात 2:5 है, लड़कों की संख्या 225 है, तो ज्ञात कीजिए स्कूल में लड़कियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर टेन में है लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के अनुपात नो लड़कियों व लड़कों का अनुपात। तो लड़कियां अनुपात लड़के समानुपात में आएगा, तो लड़कियां अनुपात लड़के अनुपात लड़के। अगर लड़कियां पहले लिखते हैं तो समानुपात में भी लड़कियां पहले लिखते हैं,
लड़के बाद में लिखा है तो लड़के भी बाद में लिखा। इनका अनुपात है 2:5 और इसने कहा कुल लड़कों की संख्या 225 है, तो लड़कियों को हम कह दें एक्स और लड़कों को कह दें 225। अगर हमको लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी तो हमें क्या करना चाहिए, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे और बीच बीच का होगा, तो होगा 5x इज इक्वल टू 225 × 2। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो 225 × 2/5। 5 से कैंसिल कर दें, 5 4 5 5 4, एक्स इज इक्वल टू 90। यानी स्कूल में लड़कियों की संख्या 90 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है इन्होंने किसी समानुपात के प्रथम द्वितीय व चतुर्थ पद 32, 112 और 217 हैं। तृतीय पद ज्ञात कीजिए, तो जिस पद को ज्ञात करना हो उसकी जगह हमको एक्स लिख देना चाहिए। तो पहला पद, पहला अनुपात, दूसरा समानुपात, तीसरा अनुपात, चौथा, ये इस तरीके से पदों का अनुपात होता है। तो इसने कहा है प्रथम द्वितीय व चतुर्थ, तो 32 पहला है और 112 दूसरा है, समानुपात तीसरा पद आपको याद करना है और चौथे पद का मान है 217। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाहर बाहर वालों का गुणा करेंगे और बीच बीच वालों का गुणा करेंगे, तो 112 × x = 217 × 32, तो x बराबर 217 और गुणा 32/112, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 × 8 = 4, 8 = 32, 4 से ये भी कैंसिल हो सकता है, 4 × 8 = 32, अभी भी 2 से कैंसिल 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 8 = 4, 7 = 28, 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 × 21 और 7 × 7, तो x बराबर 31 × 2 = 65, यानी प्रति पद का मान 62 होगा या 65 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में किसी समानुपात में पहला तीसरा व चौथा पद, तो फिर से पहला अनुपात दूसरा, समानुपात तीसरा, अनुपात चौथा। पहला, पहला तीसरा चौथा दूसरा ज्ञात करना है, 9 8 9 पहला है और तीसरा है, 9 8 और 24 दूसरा ज्ञात करना है, तो दूसरे की जगह में x लिख देंगे। समानुपात को सॉल्व करने के लिए हम अंदर वाले पदों का गुणा करते हैं और बाहर वालों का गुणा करते हैं, 8 × x = 24 × 9, x = 24 × 9/8, 8 × 24 = 27, यानी दूसरे पद का मान 27 होगा। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई, रिवीजन हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।